हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवीज 360 एक्सप्लेन। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी क्रॉक को, जो 2007 में रिलीज हुई है। ये एक क्रोकोडाइल सर्वाइवल मूवी है। दोस्तों, मैंने ऐसी ही और क्रोकोडाइल सर्वाइवल मूवीज प्राइमेवल और रोक को एक्सप्लेन करा हुआ है, तो उसे देखना मत भूलिएगा। और अब बिना टाइम को वेस्ट के चलें शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करने की। मूवी के स्टार्ट में हम दो आदमियों को देखते हैं, जो कि दरिया में एक्सप्लोसिव क्रैकर से मछलियों का शिकार कर रहे होते हैं और उन्हें पकड़कर अपनी बोट में डाल रहे थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक क्रोकोडाइल उनकी तरफ बढ़ रहा होता है और वो उनकी बोट पर अटैक कर देता है, और फिर वो एक एक करके दोनों को पकड़ के खा जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हम जैक को देखते हैं, जो अपने फार्म में टूरिस्ट को वेलकम कर रहा होता है। और तभी वो एक सस्पिशियस लेडी को देखता है, जो कि फार्म में फॉर्मल वेयर में आई होती है, और वो थियो को उस पर नजर रखने के लिए कहता है। और तभी हम फार्म में शो देखते हैं, जहां जैक पब्लिक से एक बच्चे को बुलाता है और उसे गोलकीपर बनाता है, और एलिफेंट से वो गोल्स करवाता है और बच्चा उन्हें रोकने की कोशिश करता है। अब हम दूसरा शो देखते हैं क्रोकोडाइल्स का, जिसमें एक आदमी क्रोकोडाइल के ऊपर से स्लाइड करता है और दूसरा आदमी अपनी सर क्रोकोडाइल के मुंह में अंदर डाल देता है, और ये शो यहाँ खत्म हो जाता है। अब हम देखते हैं कि उस लेडी का नाम एवेलिन होता है और वो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल वेलफेयर से आई होती है। अब जैक उसे जाकर बात करता है और उसे रिश्वत के तौर पर डिनर की ऑफर करता है, लेकिन वो नहीं मानती और उसे बताती है कि ये अपने जानवरों को कीड़े लगी फूड्स दे रहा है, और वहाँ जानवरों के पीने का पानी भी गंदा है, और वो क्रोकोडाइल्स को फ्रेश मीट भी नहीं दे रहा क्योंकि उसके रेफ्रिजरेटर्स नहीं चल रहे। जैक उसे बताता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं, किसी ने हमारी इलेक्ट्रिसिटी काट दी है हमें यहाँ से भगाने के लिए। तो एवेलिन कहती है कि इलेक्ट्रिसिटी ना होना मेरी प्रॉब्लम नहीं है, और वो उसे 24 घंटों का टाइम देती है सब सही करने के लिए, वरना उसके खिलाफ गवर्नमेंट एक्शन लेगी। और जैक को पता होता है ये सब एंडी कॉन्सन करवा रहा है। वो उसके फार्म के ऊपर अपने एक प्रोजेक्ट बनाना चाह रहा है। अब जैक और थियो एक बार में होते हैं, तभी वहाँ थियो को एक लड़की पसंद आती है, तो वो उससे बात करने चला जाता है। तभी वहाँ फेडरल टैक्स ब्यूरो से मिस्टर फैन आ जाते हैं, जो कि जैक के पीछे पिछले 3 महीनों से लगे हुए थे। वो जैक को बताते हैं कि उसका $500 का फाइन अब इंटरेस्ट के साथ बढ़कर $2,000 हो गया है। वो इस अमाउंट को अभी पे करे, वरना उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा। तभी थियो भी वहाँ आ जाता है और जैक उसे सब बताता है, तो थियो कहता है कि हाँ, मेरे पास ट्रक में है इतने पैसे, और वो पैसे लेने चला जाता है। तभी वहाँ थियो जिससे बात करने गया था, वो लड़की आ जाती है और वो जैक से कहती है कि मेरी सिस्टर तुम्हें बुला रही है। जैक उसके पास जाता है तो वो बताती है कि हम यहाँ स्मोक कर देंगे, और वो कूद कर भाग जाए। फिर वो लोग ऐसा ही करते हैं, और स्मोक में मिस्टर फैन को कुछ दिखाई नहीं देता और जैक वहाँ से भागने लगता है। तभी मिस्टर फैन उसे देख लेते हैं और उसके पीछे भागते हैं, और रोड पर थियो पहले से कार लेकर इंतजार कर रहा होता है, और जैक कार में बैठकर वहां से निकल जाता है। फिर थियो बताता है कि ये सब उन लड़कियों का आइडिया था। तभी उस लड़की की थियो के पास कॉल आती है और वो बताता है कि वो दोनों ठीक हैं। फिर वो उसे कल वापस कॉल करने का कहता है। अब हम देखते हैं कि उन ग्रुप में एक कपल भी होता है, पीटर और क्लिप। वो दोनों वहीं बीच पर रुक जाते हैं और बाकी लड़कियां चली जाती हैं। अब वो दोनों बीच पर स्विमिंग करने लगती हैं, और तभी हम देखते हैं कि वहाँ क्रोकोडाइल उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। पीटर स्विमिंग करते हुए अंडर वाटर जाता है, तभी उसे क्रोकोडाइल पकड़ कर ले जाता है, और क्लिप को कुछ पता भी नहीं चलता। जब वो काफी देर बाद बाहर नहीं आता तो क्लिप उसे ढूंढने लगती है, और तभी एक बच्ची क्लिप को चीखते हुए देख लेती है। अब हम देखते हैं कि क्लिप पर भी क्रोकोडाइल अटैक करके उसे मार डालते हैं, और ये सब वो बच्ची दूर खड़ी देख लेती है और किसी को बताने के लिए निकल जाती है। अब हम एंडी को देखते हैं, वो एक्सीडेंट उनके होटल के सामने हुआ था, तो वो पूछता है क्या हुआ। एक लड़का बताता है कि मेरी सिस्टर ने क्रोकोडाइल को लड़की पर अटैक करते हुए देखा है। एंडी पूछता है कि कंफर्म वो क्रोकोडाइल ही था। लड़की बताती है कि हाँ, उसने उसकी टेल देखी थी और वहाँ बहुत सारा खून भी था। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। अब हम जैक को फार्म में देखते हैं, और वहाँ उसकी सिस्टर एलिसन भी होती है। तभी वहाँ की लाइट्स वापस से चली जाती हैं। अब हम देखते हैं कि एंडी एक प्लान बनाता है, और वो कुछ आदमियों को जैक के फार्म भेजता है, और क्रोकोडाइल्स के केज को तोड़कर वो 3 क्रोकोडाइल्स को बाहर निकाल देते हैं। अब हम देखते हैं कि सॉम परेशान होती है क्योंकि स्लिप रात से घर नहीं आई होती, तो वो पीटर की होटल कॉल करती है, लेकिन वो बताते हैं कि वो कल रात से होटल नहीं आई और उन्हें पीटर का वॉलेट और कपड़े बीच पर से मिले हैं। ये सुनकर सॉम और चॉम वहाँ निकल जाते हैं।
अब हम देखते हैं क्रोकोडाइल पास ही के एक होटल के पॉन्ड में होता है और जैक वहीं होता है और उसे पकड़ लेता है। अब सॉम्प और चॉम्प उसी बीच में पहुंच जाती हैं, जहां उन्हें सर्जेंट डैंग बताता है कि उन दोनों की बॉडीज अभी तक नहीं मिली और डाइवर्स उन्हें ढूंढ ही रहे हैं। तभी एक डाइवर वहां आता है और उसके हाथ में एक पांव होता है। चॉम्प उस पांव में एंकलेट देखकर पहचान जाती है कि एक क्लिप का है और वो रोने लगती है। अब वहां एक डॉक्टर आता है और उस पांव को एग्जामिन करके बताता है कि ये किसी क्रोकोडाइल या शार्क का काम है। अब हम जैक को देखते हैं, जिसे अपना दूसरा क्रोकोडाइल एक रिवर के पास से मिला होता है। वो फिश नेट में फंसकर जख्मी हो गया था। तभी वहां एवेलिन भी आ जाती है तो जैक उसे सब बताता है। एवेलिन कहती है कि उसे ये सब पुलिस को बताना चाहिए। तभी वहां पुलिस भी आ जाती है और डैंग जैक से कहता है कि उसे अपना फार्म बंद करना पड़ेगा क्योंकि उसके क्रोकोडाइल ने दो लोगों की जान ली है। जैक उससे कहता है कि मेरे क्रोकोडाइल ये नहीं कर सकते, वो फार्म में बड़े हुए हैं और उन्हें शिकार करना तक नहीं आता और वो दो क्रोकोडाइल को पकड़ भी चुका है। लेकिन डैंग कहता है कि अभी भी तीसरा नहीं मिला और उन्हें एक फिजिकल एविडेंस भी मिला है और एक आई विटनेस भी जिसने ये सब देखा है। अब हम काओ कॉन्सन को देखते हैं, वो ये सब न्यूज में देख रहा होता है और उसे कुछ नहीं पता होता कि एंडी ने ये सब करा है। तभी वहाँ एंडी भी आ जाता है और वो काओ कॉन्सन को गुड न्यूज देता है कि जैक का फार्म बंद हो गया है। कॉन्सन उससे पूछता है कि इसमें उसका तो कोई हाथ नहीं, क्योंकि इस तरह क्रोकोडाइल के अटैक की वजह से उनके बिजनेस पर असर पड़ेगा और टूरिस्ट भी नहीं आएंगे। तो एंडी उसे कहता है कि इसमें उसका कोई हाथ नहीं। अब हम एक फैमिली को देखते हैं जो पिकनिक के लिए आए होते हैं। वो अपने बच्चों को पानी में उतारते हैं और बच्चे वहीं खेलने लगते हैं। तभी वहां एक लाइफगार्ड आता है और उन्हें वार्न करता है कि यहाँ एक क्रोकोडाइल घूम रहा है तो बच्चों को पानी में ना रहने दें। अब वो बच्चों को बोट पर बुलाते हैं लेकिन एक बच्चा जिद करने लगता है बोट पर ना आने की। तभी क्रोकोडाइल उसे पकड़ लेता है और अपने साथ ले जाने लगता है। अब वो वहां से समंदर की तरफ बढ़ने लगता है। तभी वहां जैक और एवेलिन भी पहुंच जाते हैं। जैक वहां एक से हेल्प लेता है और वो एवेलिन उसके एयर टैंक्स लेकर पानी में कूद जाते हैं और वो क्रोकोडाइल को ढूंढने लगते हैं। तभी वो क्रोकोडाइल एवेलिन के पास से गुजरता है और वो देखती है कि बच्चा अभी भी जिंदा होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास न ऑक्सीजन था न हार्पून गन और क्रोकोडाइल अब समंदर की तरफ निकल चुका है तो उसे ढूंढना मुश्किल है। यहाँ हम एक आदमी हॉकिंस को देखते हैं जो क्रोकोडाइल के अटैक की डिटेल्स अपने पास नोट कर रहा होता है। जैक बताता है कि वो क्रोकोडाइल 20 फीट का था और उसने नॉर्थ में इतना बड़ा क्रोकोडाइल पहली बार देखा है। एलिसन कहती है कि शायद वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यहाँ आ गया हो। जैक कहता है कि उसका जितना साइज है तो वो महीने तक हर दिन शिकार कर सकता है, इसीलिए हमें उसे पकड़ना ही होगा। अब रात में थियो चॉम्प को कॉल करता है और उसे बताता है कि ये सब उनके क्रोकोडाइल से नहीं किया। चॉम्प समझ जाती है और उसे थैंक्स करती है कॉल करने के लिए। अब सुबह हम जैक और एवेलिन को देखते हैं, जिनकी अब एक दूसरे से बनने लगी थी। तभी जैक को डैंग की कॉल आती है और वो उसे सॉरी करता है और कहता है कि न्यूज देखो अभी। न्यूज में जैक कहता है कि उस क्रोकोडाइल की किसी ने वीडियो बनाई थी जो कि 20 फीट लंबा है और उस पर गवर्नमेंट ने $50,000 का रिवॉर्ड रखा है। अब जैक और एवेलिन उसे पकड़ने निकल जाते हैं और वो एक लगून की तरफ जाते हैं क्योंकि जैक को लग रहा था कि वो आराम के लिए वहीं गया होगा। अब वो दोनों उसे वहां ढूंढने लगते हैं। तभी जैक को वो पानी में आराम करता दिखाई देता है। वो उस पर एम करता है और गन लोड करता है तो उसकी आवाज से वो क्रोकोडाइल वहां से भाग जाता है। तभी वो देखता है कि वहां हॉकिंस पहले से उसका निशाना बनाए खड़ा है, लेकिन जैक के आवाज करने पर वो भाग गया। वो बताता है कि वो उसका 9 महीनों से पीछा कर रहा है, उसने उसकी टांग काट ली थी और उसकी एक टांग स्टील की है। अब तभी उन्हें वहाँ फायर की आवाज आती है। वो जाकर देखते हैं तो दो आदमियों ने एक क्रोकोडाइल को मार दिया था। वहाँ पहुंचकर जैक पहचान जाता है कि ये उसका क्रोकोडाइल है। हॉकिंस उस आदमी को पानी से निकलने को कहता है लेकिन वो नहीं सुनता। तभी वो क्रोकोडाइल आकर उस पर अटैक कर देता है और उसे अपने साथ ले जाता है। अब जैक, हॉकिंस और एवेलिन एक बार में बैठे होते हैं। हॉकिंस उन्हें बताता है कि वो इतना शिकार कर रहा है तो जरूर उसने आसपास कहीं अपने शिकार को रखने के लिए जगह बना ली होगी और हमें वो उसी के पास मिल जाएगा, बस हमें वो जगह ढूंढनी होगी। अब एवेलिन भी उनके फार्म को ज्वाइन कर लेती है क्योंकि कॉन्सन ने उसे उसकी जॉब से निकलवा दिया था। अब हम कॉन्सन को देखते हैं जो अपने घर के स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने लगता है और उसका डॉग पूल में देखकर भौंकने लगता है और तभी हम देखते हैं कि वो क्रोकोडाइल उसी पूल के अंदर होता है। तभी वहाँ कॉन्सन की वाइफ आती है और कॉन्सन उसे डॉग को अंदर भागने के लिए कहता है और उसकी वाइफ फिर क्लब के लिए निकल जाती है। अब जैसे ही कॉन्सन स्विम करता है तो क्रोकोडाइल उसे दबोच लेता है और उसे मार डालता है। अब वहाँ एंडी आ जाता है और वो कॉन्सन को ढूंढने लगता है। तभी उसे डॉग के भौंकने की आवाज आती है और वो देखता है कि स्विमिंग पूल पूरा खून से लाल हो चुका है और कॉन्सन की बॉडी के टुकड़े पड़े होते हैं पूल में। एंडी पुलिस को कॉल करता है। तभी क्रोकोडाइल उस पर अटैक करके उसका हाथ काट लेता है और फिर उसे भी मार डालता है।
अब हम देखते हैं कि वहाँ पुलिस आ चुकी होती है और कॉन्सन की वाइफ उसकी मौत से बहुत खुश होती है। वहीं हम जैक और हॉकिंस को भी देखते हैं। हॉकिंस बताता है कि वो सर्कल में शिकार करता है और जिस तरह उसका पैटर्न है तो वो अभी यकीनन रिवर की एंट्रेंस के पास शिकार के लिए पहुंचा हुआ होगा। अब वो सब हॉकिंस की बोट में उस जगह पर जाने लगते हैं। अब वो उस जगह पहुंच जाते हैं और जैक और डेविड एलिसन और थियो के साथ रेस्क्यू बोट से उस रॉक के पास पहुंचते हैं जहां उन्हें उस क्रोकोडाइल का ठिकाना लग रहा था। अब डेविड और जैक पानी में उतर जाते हैं और तभी हम वहां उस क्रोकोडाइल को भी देखते हैं। वो क्रोकोडाइल अचानक ही एलिसन पर अटैक करके उसे ले जाने लगता है। थियो उस पर शूट करता है लेकिन उस पर गोलियों का कोई असर नहीं होता। थियो बोट चलाकर एलिसन को ढूंढने लगता है। जैक ये देखकर ऊपर आता है और थियो उसे बताता है कि क्रोकोडाइल एलिसन को ले गया है। तभी उन्हें हॉकिंस कहता है कि क्रोकोडाइल का पिट जरूर पास में होगा, तुम लोग अंदर जाकर उसकी एंट्रेंस ढूंढो, और वो खुद थियो के साथ बोट पर उसकी एंट्रेंस ढूंढने लगता है। वहीं पानी के अंदर जैक को एक बड़ी सी एंट्रेंस दिखाई देती है तो वो उसके अंदर चले जाते हैं और अंदर जाकर उन्हें एक जगह लाइट दिखती है तो वो उसकी तरफ बढ़ते हैं और वो एक केव में पहुंच जाते हैं जहां उन्हें इंसान की बॉडीज के टुकड़े भी दिखाई देते हैं और वो समझ जाते हैं कि क्रोकोडाइल शिकार करके लोगों को यहीं पर लाता है। अब हॉकिंस और थियो भी लैंड पर आ गए थे और वहां उन्हें जैक की आवाज आती है तो वो दोनों उस तरफ बढ़ने लगते हैं। अब वहीं हम एलिसन को भी देखते हैं जिसे होश आ जाता है और डेविड और जैक की आवाज से वो क्रोकोडाइल उनकी तरफ बढ़ने लगता है। एलिसन हिम्मत करके खड़ी होती है और उनके पास जाकर वार्न करती है कि क्रोकोडाइल उनके पीछे ही है और वो जैक की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी डेविड उसके पास पहुंचकर उस पर अटैक कर देता है लेकिन क्रोकोडाइल उसे धकेल देता है और जैक की तरफ वापस से बढ़ने लगता है। तभी वहां थियो और हॉकिंस भी आ जाते हैं और वो क्रोकोडाइल पर फायर करने लगते हैं जिसमें से काफी गोलियां उसे लगती हैं लेकिन वो जैक की टांग पकड़ लेता है और तभी एक गोली उसके सर पर लगती है और वो मर जाता है। लेकिन जैक की टांग उसके मुंह में फंसी थी तो जैक उसके साथ डूबने लगता है। तभी डेविड वहां से ऑक्सीजन टैंक उठाता है और उसे लेकर जैक के पास पहुंचता है ताकि वो सांस ले सके, लेकिन ऑक्सीजन टैंक में ज्यादा ऑक्सीजन भी नहीं थी। तभी डेविड एक स्टील की रॉड उठाता है और उस क्रोकोडाइल के मुंह को खोलकर जैक को ऊपर ले आता है और वो बच जाता है। अब वो सब हॉकिंस की बोट से वापस जाने लगते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी मूवी क्रॉक की एक्सप्लेनेशन और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको और भी क्रोकोडाइल या किसी और एनिमल मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे कॉमेंट में जरूर मेंशन कर दें। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और मेरा एफर्ट पसंद आया हो तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करना और ऐसे ही एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। और अगर आपको किसी मूवी या सीरीज की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल की दूसरी वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। टिल देन बाय, टेक केयर।